बुहारी बाबा की नगरी में आपका स्वागत है। आजमगढ़ के बूढ़नपुर अतरैठ बाजार के पास में स्थित है। ये देख सकते हैं तालाब यहाँ का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। कितना भव्य और कितना सुंदर बना है। और ये देखिए तालाब के बीचों बीच भगवान शिव शंकर विराजमान हो गए। तो आइए आज आपको बुहारी नाथ बाबा की नगरी का दर्शन कराते हैं। तो ये जो है बुहारी बाबा का मंदिर है। काफ़ी बदलाव हुआ है यहाँ पे, काफ़ी भव्य और रमणीय अब बन चुका है। ये देख सकते हैं मुख्य मंदिर। हम आपको यहाँ का इतिहास भी बताएंगे। जय बाबा बहुत ये दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे फेरी लगाई जाती है। तो आइए यहाँ का आपको दर्शन कराते हैं। तो बुहारी बाबा का ये स्थान ये देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर सुंदर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ के इतिहास के बारे में अगर आपको बताते हैं हम तो आपको जानना चाहिए कि क्या इतिहास यहाँ का रहा है। आजमगढ़ में भैरव बाबा, भवरनाथ बाबा और बुहारी बाबा, ये काफ़ी तीनों बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये देख सकते हैं यज्ञ का आयोजन भी यहाँ पे समय समय पे होता रहता है। तो यज्ञ के लिए ये बना हुआ है। हम आपको पूरा दिखाते हैं बुहारी बाबा का स्थान। ये मंदिर से पीछे का जगह है। शादी विवाह और दिखाई का कार्यक्रम भी यहाँ पे देखिए चल रहा है। तो ये सब भी यहाँ पे होता रहता है।
बहुत ज़्यादा कायाकल्प यहाँ पे हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ये देख सकते हैं तालाब कितना खूबसूरत बना हुआ है। बाबा का पुराना इतिहास रहा है, पहले यहाँ से यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। चाचा कोई इतिहास बताएंगे पुहारी बाबा का? पुहारी बाबा का इतिहास बाबू, अब हम दुकान उठाते हैं। हाँ कौन इतिहास बताए? हाँ तो सच में आया तब हम बताए, तनी से बतावल जाए। पुहारी बाबा कहीं है रहा वाला नाम है, कहीं है कहीं कहीं नवा भुला गए। हाँ ये है सब जंगले रहा है। हाँ और यहीं आई के हाँ वो अपन धोई रमावत रहना है। अच्छा वही सब पूरा जंगले रहा है। अच्छा ठीक है सीजन रहा। अच्छा पहाड़ी बाबा यहाँ आगे भी सुनगौले रहना है। अच्छा गांव वाले का ना देखना है यार। हाँ पड़ोस का दो सौ से हाँ धुआं कैसा होता। हाँ तो समायल तो देखल है अपन झाट छोड़ के कुछ अपन रास्ता बनाई के। हाँ तो पैर पहाड़ी बाबा के लग तक पहुँचल। हाँ ओकरे बाद जब देखल है यहाँ एक संत हुए। हाँ तो भाई अब सब सपोर्ट करे लगे जी, लकड़ी लौना दूध मन कबो खाई लेना आई। अच्छा खाली दूध दूध फल वल खा लेता ना इनके पास एक दिन गाय रहा। अच्छा वही गाय के ये घोगा दूध निकाल रहे हैं, एक बाद वही भोग लगा हुआ। अच्छा भाई इतना हाँ और एक बाद अपन यहाँ तप करते रहना है, गाँव वालों का सहयोग मिल गया। हाँ एक बाद पुहारी बाबा बकरा खनम ने। हाँ जगह जगह हर तीर्थ स्थान पर जाके जग करूँ। हाँ गंगा जी ना आए नहीं। हाँ फिर गंगा जी वहाँ गई ना चाणी कवरिया चाणीपुर। हाँ चाणीपुर गई ना तो एक बाद वहाँ भंडारा करवाऊ ना। हाँ भंडारा करवाऊ ना, भंडारा करवाने के बाद जब आई ना तो रात के उन्हें सपन भयल। गंगा जी कहानी कि हम आ गए नहीं, कहानी गंगा जी पुहारी जी हम आ गए नहीं। हाँ 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 पुहारी बाबा कहना कि आई तो गैलू महारानी। हाँ लेकिन हम कैसे गांव कैसे विश्वास करी कि तू आई। अच्छा अच्छा कहना विश्वास करे खातिर का चाहिए? हाँ कहना तीन चीज चाहिए हमें। हाँ कहना का गंगा जी कहानी का। हाँ कहानी कच्छ मच्छ झौवा। कच्छ मच्छ गौवा झौवा 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 जिसे पहले नदिया वदिया में ना झौवा रह बुला के। हाँ हाँ तब झाड़ू वाड़ू बना के बेचे। हाँ हाँ लचौ लचौ सीख जा रहा है। हाँ 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 वो है झौवा। अच्छा तो बिहान बार फिर गाँव एकदम लगा गया भर गया, मछली उल्टा लगनी कछुआ उल्टा पलटा लगना है, झौवा किनारे किनारे लग गई ना तब से यहाँ पुहारी बाबा होगी ना। और बहुत अभी जौन बना लाई या बैठे गए जने सेठ हुए वो एक करोड़ रुपया देना है बिल्कुल बनाए खाती करा के सुंदरीकरण करने खाती। एक करोड़ रुपया वो डाले आना है, बाकी है जनता सहयोग जनता के सहयोग से ही कुल बना। अच्छा अच्छा और शंकर जी का जो मंदिर है बना वाला में हमने जाना। हाँ 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 जी जी ठीक। तो नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये रहा पुहारी बाबा का इतिहास। तो ये देख सकते हैं मुख्य द्वार जो है पुहारी बाबा का, अभी यहाँ पे नव निर्माण चल रहा है, फूल माला। ये बाग में काफी मेला भी लगता है, यहाँ
सोमवार के दिन मेला लगता है। ये मुख्य द्वार है बाबा कोहारी का। तो ये जो है मुख्य द्वार है, देखिए बहुत ही भव्य और रमणीय स्थान है पोहारीनाथ का। बहुत बहुत धन्यवाद।